हेलो एवरीवन, डॉक्टर रीना शर्मा कौशिक। आज मैं आपको स्वर्ण प्राशन के बारे में बताना चाहूँगी। तो स्वर्ण प्राशन, जैसा कि हम नाम से हमें पता चलता है, स्वर्ण प्लस प्राशन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें कि स्वर्ण माने गोल्ड और प्राशन माने चटाना, खिलाना, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गोल्ड। तो यहाँ हम अगर बच्चों की इम्यूनिटी इम्प्रूवमेंट की बात करें या बच्चों के रेफरेंस में बात करें, फिजिकल एज वेल एज मेंटल वेलबींग, तो उसके लिए स्वर्ण प्राशन देना आवश्यक होता है, जरूरी होता है। तो मैं एक्सप्लेन करना करूंगी कि कैसे किस तरीके से स्वर्ण प्राशन काम करता है। स्वर्ण प्राशन बेसिकली आचार्य काश्यप ने हमें चार पांच तरीकों से बताया कि स्वर्ण प्राशन बच्चों पर काम करता है। उसमें है मेधा, अग्नि, बल, वर्ण की वृद्धि करता है। सो काफ़ी सारे तरीके हैं जिससे कि समझा जा सकता है। इसमें मैं बहुत बेसिक ये बताना चाहूँगी कि यहाँ मेधा से जो मतलब है, दैट इज इंटेलेक्ट, मेमोरी या इंटेलिजेंस पर काम करता है। अग्नि से यह मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। तो डाइजेस्टिव इम्प्रूव के साथ मेटाबॉलिज्म पूरा इम्प्रूव होता है। तो टोटल फिजिकल वेलबींग, हम खाते कितना है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, या बच्चे खाते कितना है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनका डाइजेस्टिव, उनको वो पचाते कितना है या डाइजेस्ट कितना हुआ है, और डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब कितना हुआ है। तो बॉडी में अगर न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होगा तो ही आगे की ग्रोथ प्रॉपर होगी। सो ये स्वर्ण प्राशन के एडमिनिस्ट्रेशन से जो रिजल्ट देखे गए हैं वो अग्नि को बढ़ाते हैं, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने से ग्रोथ एक प्रॉपर वे में जाती है, बच्चों की अच्छी ग्रोथ होती है। इंटेलेक्ट, या जैसे कि मेध्य औषधियाँ जो इंटेलेक्ट, मेमोरी, इंटेलिजेंस पर काम करती हैं, जिसमें एकोरस कैलमस, बेकोपा, मोनेराई एंड कॉन्वल्व्यूलस, ये बेसिकली औषधियाँ यूज़ की गई हैं। तो मेमोरी, इंटेलिजेंस पर इन औषधियों का काफ़ी अच्छा, जड़ी बूटियों का अच्छा रोल देखा गया है। सो ये औषधियाँ यूज़ की जाती हैं। स्वर्ण बेसिकली, अगर स्वर्ण प्राशन की बात करें तो हमारे जो, अगर हिंदू माइथोलॉजी में देखें तो 16 संस्कार बताए हैं, उनमें से एक संस्कार के अंतर्गत भी आता है। सभी संस्कार जरूरी हैं, तो स्वर्ण प्राशन भी एक संस्कार है अगर हम माइथोलॉजी की बात करें, वेदों की बात करें, शास्त्रों की बात करें तो। और बाकी अगर हम एक मॉडर्न आस्पेक्ट से देखें तो WHO की जो डेफिनेशन है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, सोशल, मेंटल वेलबींग, तो बच्चों की वेलबींग के लिए, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग के लिए बेसिकली ग्रोथ इंप्रूव करता है, दैट इज फिजिकल वेलबींग एंड मेध्य औषधियाँ, तो मेंटल वेलबींग। तो बच्चों की ओवरऑल वेलबींग के लिए स्वर्ण प्राशन देना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली इसमें कुछ डिजीजेज, अभी आज के टाइम में एक कुछ बीमारी सुनने को मिलती है, ऑटिज्म, ADHD, इन चिल्ड्रन पर भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले, क्योंकि ब्रेन पर बहुत कामिंग इफेक्ट, मेध्य औषधियों का काम होता है बेसिकली इंटेलिजेंस पर काम करना, ब्रेन को कामिंग इफेक्ट देते हैं। तो इन जो बच्चों में प्रॉब्लम होती है बेसिकली ये कॉन्सेंट्रेशन पुअर रहता है, तो ब्रेन पर कामिंग इफेक्ट की वजह से कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव होता है। सो ओवरऑल हम देखें तो स्वर्ण प्राशन के एडमिनिस्ट्रेशन से ब्रेन पर, इंटेलेक्ट पर, मेमोरी पर, इंटेलिजेंस पर, इन पर काम होता है, वेलबींग पर का, मेंटल वेलबींग एज वेल एज फिजिकल वेलबींग पर काम होता है। जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि डाइजेस्टिव इम्प्रूव होगा तो ऑब्वियस है कि ग्रोथ इम्प्रूवमेंट पर। और अभी हम आ जाए इसमें लेशर, इवन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी होता है एक स्लो स्वर्ण प्राशन के कंटिन्यूअस एडमिनिस्ट्रेशन से डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी होता है, जिसकी वजह से लेशर स्किन भी बहुत ग्लो करती है। तो मेधा, अग्नि, बल, वर्ण, ये चारों चीज़ें इसमें पूरी ओवरऑल इंक्लूडेड हो जाती हैं, तो फिजिकल एज वेल एज मेंटल वेलबींग पर एक अच्छा रोल प्ले करता है। तो स्वर्ण प्राशन देना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। काफ़ी तरीके बताए गए, डेली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बताया गया, बस बाकी थोड़ा एक इसमें जो एफिकेसी बताई गई है वो पुष्य नक्षत्र में बताई गई है। पुष्य नक्षत्र में बेसिकली एफिकेसी बताने का जो रीज़न है वो कि हमारे 27 नक्षत्र हैं, जिसमें कि पुष्य नक्षत्र है, पुष्य का जो बेसिक मीनिंग है दैट इज न्यूट्रिशन। तो स्वर्ण प्राशन का पूरा न्यूट्रिशन बॉडी को मिले, पूरा न्यूट्रिशन बॉडी को मिलके प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो, जिसकी वजह से स्वर्ण प्राशन में देने का भी विधान बताया गया है। बाकी हम वैद्य के पास जाएं, कुछ वैद्य डेली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी देते हैं, कुछ सिर्फ पुष्य नक्षत्र में देते हैं, थोड़ा वैद्य के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन मेरा यही सब पेरेंट्स से कहना, एक अनुरोध है कि अभी जो इन्फेक्शियस टाइम चल रहा है उसको देखते हुए भी स्वर्ण प्राशन बहुत ज़रूरी है, बट ओवरऑल बॉडी की फिजिकल एज वेल एज सोशल मेंटल वेलबींग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को स्वर्ण प्राशन ज़रूर दें। थैंक यू।